अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 98। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे आउटपुट प्लॉट क्या होता है, बैच प्लॉट, प्रीव्यू, पेज सेटअप मैनेजर, व्यू डिटेल एंड प्लॉटर मैनेजर। तो प्लॉट बेसिकली प्रिंट को कहा जाता है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट निकालते हो तो वो आप कैसे निकालोगे, उसका क्या टेक्निक्स हैं आपके ऑटो कैड में, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए। मैं यूनिट सेट करता हूँ, रेक्टेंगल एक ड्रॉ करता हूँ, जेड स्पेस ए स्पेस, एल इंटर सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल इंटर सी इंटर। ओके, एक फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं आप यू सी आइकन को यू सी इंटर और ओरिजिन पॉइंट। अब जो प्लॉट है आपका, आप देखें आपने लेआउट, आप इस एरिया में भी अपने ऑब्जेक्ट को आप जो है तो प्रिंट निकाल सकते हैं। और होम में जाके मैं इसके थोड़े डायमेंशन स्केल भी इसका बढ़ा देता हूँ या छोड़ें उसको, वो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप लेआउट में भी ले जाके आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट निकाल सकते हैं। देखें लेआउट में भी आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट निकल सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट, और लेआउट में भी आप अपने ऑब्जेक्ट का प्रिंट निकाल सकते हैं। और मॉडल्स में जाता हूँ, ओके हमें अपने जो प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ पे देखें आउटपुट में जाके देखें तो आउटपुट में प्लॉट लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्लॉट यहाँ से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं प्रिंट का। इसके अलावा आप कंट्रोल पी करें अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल पी करें तभी प्लॉट आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके अलावा आप लिखेंगे प्लॉट तभी आपके पास ओपन हो जाएगा। और एक और तरीका है जी, आप यहाँ से फाइल में जाके इस बटन पे क्लिक करके तो आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट में आप देखें प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप प्लॉट निकाल सकते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट में दिया हुआ है, प्लॉट है, बैच प्लॉट है, प्रीव्यू है, पेज सेटअप मैनेजर है, व्यू डिटेल है, प्लॉटर मैनेजर है, और ये जो चीज़ें एक्सपोर्ट से पहले पहले वाली जो चीज़ें, तो हमने काम भी यही करना था, प्लॉटर मैनेजर तक काम करना है। तो ये सारे का सारे काम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे प्रिंट में, देख सकते हैं सारे काम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं ये होता है क्या, उस पर काम कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास व्यू में जब अपने प्रिंट निकालने तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे इस पोजिशन में रखें, थोड़ा सा करीब करके रखें तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और लेआउट से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लेआउट टू से भी निकाल सकते हैं। इस लेआउट में आपके पास गाइडलाइंस होती हैं और लेआउट टू में आपके पास गाइडलाइंस वगैरह नहीं है, देख सकते हैं। ये एरिया जिस एरिया के अंदर आपने प्रिंट निकालना है, देख सकते हैं इस एरिया के अंदर आपका प्रिंट निकलेगा। और इसके लिए मैं इसी लेआउट टू को सिलेक्ट करता हूँ और इसी पे काम करता हूँ। तो मैं आउटपुट में जाके मैं प्लॉट पे जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई होता है जी प्लॉट के नाम से, और लेआउट टू पे हमारे पास प्लॉट निकलेगा। तो यहाँ पे देखें तो इसका साइज आपको दिया हुआ है इसने 8.5 और सॉरी अच्छा यहाँ पे इसने आपको साइज दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो साइज होता है, यहाँ पे नॉर्मल आपको साइज इसने जो दिया हुआ वो लेटर साइज का लेटर साइज दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आप डिस्कस करते हैं, सबसे पहले नेम दिया हुआ है तो नेम में आप यहाँ पे क्लिक करें, नन हमारे पास अभी कोई नेम नहीं है, लेआउट वन है, इम्पोर्ट है, आप इसका नाम जब देंगे तो आपके पास यहाँ पे नेम आ जाएगा, पेज सेटअप का नाम देना चाहिए दे सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर या प्लॉटर का नाम नाम है यहाँ पे नेम, तो यहाँ से आप क्लिक करें तो आपके पास अगर जो भी प्रिंट प्रिंट
प्रिंटर या प्लॉटर आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है आपके सिस्टम में, तो उसका नाम यहाँ पे सामने आ जाएगा। उसके लिए आप क्लिक करेंगे तो DWG मतलब ड्राइंग टू PDF फॉर्मेट है, उसमें भी आप इसमें वो कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अवेलेबल है लिस्ट हमारे पास। और नाम है यहाँ पे फैक्स है, प्रिंटर है, देखें यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे प्रिंटर है, माइक्रोसॉफ्ट XP5 डॉक्यूमेंट्स राइटर है। तो यहाँ पे जो प्रिंटर होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा प्लॉटर या प्रिंटर का, तो वो आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर नहीं लगा हुआ। उसके बाद पेपर साइज़ है, पेपर साइज़ यहाँ पे लेटर है, तो लेटर आप देना चाहें लीगल देना चाहें, आप यहाँ की मर्जी, आप लीगल पे क्लिक करेंगे तो लीगल का साइज़ आ जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बढ़ाता हूँ तो देखिए मेरे पास ये वाला साइज़ आ गया है, मैं यहाँ से ये वाला साइज़ देता हूँ तो ये वाला साइज़ आ जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ से अपने जो भी साइज़ देना आप यहाँ से साइज़ दे सकते हैं, और मैं इसको जो साइज़ देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेटर साइज़ ही देता हूँ। उसके बाद व्हाट टू प्लॉट, मतलब क्या चीज़ किस स्टाइल में देना चाह रहे हैं, तो चार स्टाइल है आपके पास। डिस्प्ले पे क्लिक करें तो डिस्प्ले से क्या है कि आपका जो सामने डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये जो पीछे डिस्प्ले दिया हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसा प्रिंट निकलेगा। अगर आप जाते हैं एक्सटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक्सटेंट पे आपका जो प्रिंट निकलेगा तो इसमें साइज़ जो होगा ज़्यादा हो जाएगा। और एक्सटेंट में क्या होगा, देखें आपके पास यहाँ पे एरर लाइन दी हुई है, तो ये वाला जो एरिया आपका है ये वाला, इसमें देखें साइज़ भी इसने दी हुई है 8x850 और 11 इंचज़ का साइज़ दिया हुआ है इसमें। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो एरिया है पूरे पेपर में का तो एरिया आ जाएगा, लेकिन ये वाला एरिया आपके पास बाहर प्रिंट होगा, मीन आपका ये वाला एरिया यहाँ तक इससे बाहर हो जाएगा आपका, देख सकते हैं जो 11 है, 11 इंच है, 8.5 और 11 है, वो हमारे पास यहाँ पे बाहर हो जाएगा। उसके बाद है लेआउट, तो लेआउट जो आपके पास सामने ये वाला दिया हुआ है, मीन जो आपने पेपर का साइज़ दिया हुआ है वो वाला ही प्रिंट होगा जो यहाँ पे सामने दिया हुआ है। और विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडो से आपने जो एरिया प्रिंट निकालना है, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये वाला एरिया प्रिंट निकालना है, तो क्लिक सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास सिर्फ यही एरिया प्रिंट निकलेगा इस एरिया में। तो ये था जी विंडो का फंक्शन। तो मैं विंडो नहीं डिस्प्ले पे क्लिक करें तो डिस्प्ले सबसे बेटर है, डिस्प्ले या फिर आपका लेआउट, इन दोनों में से आप जो भी यूज़ करेंगे आपका अच्छा प्रिंट निकलेगा। अच्छा जो प्रिंट आपका निकला है 8.5, आप चाहते हैं ये हमारे पास पोर्ट्रेट में, आप लैंडस्केप में इसको प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, तो लैंडस्केप पे प्रिंट निकालने का क्या तरीका है कि आपने यहाँ पे आपको देखें एक बटन नज़र आ रहा होगा मोर ऑप्शन का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन अप्लाई हो जाएंगे। अब इन ऑप्शन में आपके पास लैंडस्केप प्रिंट है, आप यहाँ से पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं पोर्ट्रेट निकलेगा, लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप प्रिंट निकलेगा, आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट पे करना चाह रहा हूँ तो पोर्ट्रेट निकलेगा प्रिंट मेरे पास। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का आपको ज़्यादा पता होगा कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप देख सकते हैं ए हमारे पास यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, तो ये पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप पे क्लिक करो तो ये लैंडस्केप है, मीन ये वाला एरिया आप इस तरह विजिटिंग कार्ड जो होता है वो लैंडस्केप में अक्सर बना हुआ होता है, तो आप लैंडस्केप पे निकालना चाहें प्रिंट तो लैंडस्केप पे निकाल सकते हैं प्रिंट। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का फंक्शन मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। मेरे पास ये वाला जो ये जो पेज है ये पोर्ट्रेट है, देख सकते हैं। मैं फाइल में जाता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, न्यू पेज लिया मैंने, और अब इस पेज में आप देखें तो मेरे पास जो पेज का साइज़ मैं आपको बताता हूँ, ये पेज का साइज़ है। अब मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका सामने लिखी लिखी जा रही है, देख सकते हैं। देख सकते हैं ऐसा लिखा जा रहा है। अब इसी का लेआउट में चेंज करना चाह रहा हूँ, लैंडस्केप करना चाह रहा हूँ, तो देखिएगा ओरिएंटेशन होती है, लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, देखें लैंडस्केप इस तरह का पेज आ गया, तो वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ये फर्क होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका प्लॉटर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में आपने मूव करना है तो आप इसको मूव कर सकते हैं, तो ये प्रिंटेबल एरिया है, ओरिजिन पॉइंट है, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट जो है वैसा ही रहने दें, क्योंकि आप इसको मूव करेंगे तो इसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाएगी, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। स्केल कस्टम ही रहने दें, आप कस्टम नहीं देना चाह रहे, आप 1.4 देना चाह रहे हैं, तो देखिएगा 1.4 जब देंगे आप स्केल तो हमारे पास इंचेज में 1.4 इंचेज हमारे पास का स्केल आ जाएगा। स्केल आप जितना बढ़ाएंगे तो आप यहाँ से देखें बढ़ा सकते हैं स्केल, लेकिन नॉर्मल जो स्केल हमने रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, कस्टम रखते हैं, तो कस्टम जो इसका अपना जो स्केल है वो कस्टम रख दें, या फिर आप नॉर्मल 1.5 या 1.1 ही रख दें, 1.1 नहीं 1:1, ओके, यूनिट्स भी हमारे पास 1 है। और ये भी स्केल लाइन विड्थ, स्केल का मतलब ये कि जब आप अपने इसको देते हैं स्केल देते हैं डायमेंशन देते हैं, तो उसमें हमारे पास ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आप देख लीजिएगा अप्लाई करके।
ओके, उस पर जो हमारे पास किया इसको नन ही रहने दे, और यहाँ से क्वालिटी आपने जो पेपर क्वालिटी रखनी है वो प्रेजेंटेशन रखनी है, तो प्रेजेंटेशन जो होती है सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, मैक्सिमाइज रखना चाहते हैं कस्टम रखना चाहते हैं तो कस्टम पे क्लिक करें, तो आप कस्टम भी रख सकते हैं साइज, लेकिन जो नॉर्मल नॉर्मल रखना चाहें नॉर्मल रख सकते हैं, और अगर आप प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन भी रख सकते हैं साइज अपने पेजेस का। और उसके बाद प्लॉट एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से भी हमारे पास प्लॉट प्रिंटर निकले, ट्रांसपेरेंसी इसकी होनी चाहिए, ये चीज़ें आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इनको आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो ही ठीक होती है, इसमें आप छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ अब प्लॉटर्स प्रिंट निकालने के कुछ मेथड्स है, जो क्या यहाँ से आपको समझ आ गए होंगे इसका क्या फंक्शन है। सारे काम करने के बाद आपका प्रिंट रेडी हो जाता है, और अप्लाई टू लेआउट्स पे क्लिक करेंगे जब ओके करें यहाँ पे, तो आपका प्रिंट जो है निकलना शुरू हो जाएगा। अप्लाई टू लेआउट्स पे क्लिक करें, ओके करेंगे यहाँ से, तो आपका प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई भी डिवाइस सिलेक्टेड नहीं है, मीन आपके पास कोई भी आपके पास प्रिंटर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है हार्डवेयर, तो ये देखें आपका प्रिंट आ गया जी। अब इसमें जो मैंने साइज दिया था उस साइज पे देखें, जो मैंने एरिया दिया था व्यू में उस एरिया में यहाँ पे ये मूव हो गया, तो दोबारा मैं देखता हूँ यहाँ पे प्लॉट में, तो ये मूव हो गया, तो इसके लिए आप इसका लेआउट जो है डिस्प्ले करें। उस एरिया से यहाँ पे मूव हुआ है, कस्टम ओके तो ये हमारे पास जी इसका लेआउट यहाँ से चेंज हो गया, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है जो कि फिर एरर दे देता है। अब प्रिंटर आपके पास होगा तो आपके पास प्रिंट इस तरह निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास प्लॉट, उसके बाद है बैच प्लॉट पे क्लिक करें, तो ये बैच प्लॉट है जिसमें आपने पब्लिश करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो ये आपको बताता है कि देखें कितने हमने मॉडल हमने प्रिंट निकाले, पेज सेटअप है, स्टेटस नो एरर नो एरर नो एरर, आपने जो प्रिंट निकाले फॉर एग्जाम्पल, तो ये उसके स्टेटस बताता है, और सिलेक्टेड शीट डिटेल बताता है, उसका सोर्स ड्राइंग क्या है, ड्राइंग लोकेशन क्या है, लेआउट नेम क्या है, और प्लॉट डिवाइस हमारे पास नाना भी प्लॉट डिवाइस कोई भी नहीं लगी हुई, प्लॉट साइज क्या है, हमने ये वाला लैंडस्केप रखा था, और प्लॉट स्केल कितना कस्टम हमने रखा था, ये इसके बारे में सारी डिटेल आपको बताता है। नंबर ऑफ कॉपीज आप निकालना चाहे तो आप नंबर ऑफ कॉपीज निकाल सकते हैं, 2, 4, 5 कॉपीज निकालना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज भी निकाल सकते हैं, और इंक्लूड प्लॉट स्टैम्प भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्लॉट स्टैम्प लगा सकते हैं, अप्लाई करें यहाँ से, तो इसके लिए आपके पास पिक्चर होनी मस्ट है जो कि आप यहाँ से आप ले सकते हैं। लोड पे क्लिक करेंगे आप, जहाँ कहीं आपके पास पिक्चर है वहाँ से आप लेके उस पर अप्लाई करें, तो आप यहाँ से स्टैम्प भी लगा सकते हैं अपने प्लॉट पे जो आपने मैप्स वगैरह डिज़ाइन किया हुआ है। नो नेक्स्ट आपके पास जी प्रीव्यू है, प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपको सामने प्रीव्यू आ जाएगा, लेकिन जब प्रीव्यू भी हमारे पास इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, प्रिंटर इंस्टॉल होगा तो तब ये प्रीव्यू देगा, लेकिन मैं एक और काम करके आपको मैं देख लेता हूँ कि शायद कि मेरे पास ये अप्लाई काम करे। मैं यहाँ पे इसमें सेटिंग्स में जाता हूँ और कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ से प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ये काम करेगा कि नहीं। व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जी मैं एड प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो ये प्रिंट को प्रिंटर को सर्च कर रहा है कि नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट पे जाके विंडोज 7 या विंडो XP यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो है तो प्रिंट इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको MS Office में भी बताया था जब हम प्रिंट प्रीव्यू देख रहे थे, हमें प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखा रहा था तो उसके लिए हमने प्रिंटर इंस्टॉल किया था, लेकिन मेरे पास विंडो 8 है तो इसमें ये प्रिंटर को सर्च करके ये काम करेगा, क्योंकि अगर प्रिंटर नहीं है तो ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद पेज सेटअप मैनेजर है, क्लिक करें, मॉडल हमारे पास कौन सा है, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो दोबारा वही हमारे पास पेज सेटअप मैनेजर आ जाएगा, इसमें आपने जो साइज़ वगैरह देना है तो वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी, पेपर कौन सा है,
सारी चीज़ें यहाँ से वही चीज़ें आपका सामने आ जाएंगी जो जो आपने काम करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हम कर चुके हैं। और न्यू पे क्लिक करें, एक नया आपके पास अपने एक नया पेज देना है तो न्यू पेज सेटअप नेम अब नया पेज दे दें, क्योंकि इसमें आपने जो पेज सेटअप रखेंगे आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वही पेज नंबर आप देंगे, सेलेक्ट करेंगे जस्ट और क्लोज करके ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये पेज सेटअप हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे व्यू डिटेल है, क्लिक करें, जो भी हमारे पास डिटेल है सारी आ जाएगी। तो प्लॉटर नहीं है तो इस वजह से ये डिटेल हमें नहीं दे रहा, तो आप ये प्लॉटर या प्रिंटर आप इंस्टॉल करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। प्लॉटर मैनेजर है, ये भी प्लॉटर के ऊपर काम करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास प्लॉटर नहीं है, तो आपने यहाँ से प्लॉटर सेलेक्ट करना होगा। ऑटो गेट प्लॉटर मैनेजर है। तो ये था जी आपका प्लॉट, जिसका फंक्शन था कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को अपने ड्राइंग्स को किस तरह प्रिंट निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और कि प्रिंट आप किस तरह निकाल सकते हैं। आपने मेन जो काम था इसमें सीखने का वो यही था कि आप प्रिंट को कैसे निकाल सकते हैं, और उसके अलावा जो प्रिंट होता है इस प्रिंट में आपने जो ड्राइंग्स वगैरह आप दे रहे हैं तो डिस्प्ले में आप क्या देंगे, एक्सटेंड देंगे, लिमिट्स देंगे, तो यहाँ से आप काम, ये भी आपको ये चीज़ें थी जो मेन आपने सीखी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।